कुंडली का वेट बनता है उसके गुरु से। उसके कुंडली में गुरु है रक्षक, उसके कुंडली में गुरु हर कंडीशन में, जुपिटर इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी हु डिस्ट्रॉय ऑल काइंड ऑफ मेलिफिक एनर्जी ऑफ द कुंडली। किम कुर्बंती ग्रह सर्वे यदि केंद्रे यदि जीवे केंद्रे स्थित, इतना बड़ा सूत्र है। और गुरु के बारे में ना बड़े साइंटिफिक डाटाज है कि कहीं वर्ल्ड के तरफ कोई बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड्स आ रहा था और गुरु बृहस्पति के जो आकर्षण शक्ति है उसमें घुस गया और धरती बच गया। तो धरती को या मनुष्य को, जगत को बचाने के लिए गुरु बृहस्पति एक बड़े कारगर काम करते हैं। और ऐसा गुरु बृहस्पति जिसके कुंडली में उच्च बन के बैठा है, ऐसे व्यक्ति तो हम लोग ढूंढते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिक ही से ब्राह्मीन, चाहे वो कैसे भी गुरु बैठा हो, क्योंकि उसके अंदर जुपिटेरियन मास बहुत स्ट्रांग लेवल पे है। और जिसके बॉडी में हायर जुपिटेरियन मास है, अगर डिस्ट्रक्शन हाउस में बैठा होता तो मैं बोलता कि हाँ भाई, यू विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग, बट यहाँ लाभ के घर में बैठा है। और लाभ के घर में गुरु बृहस्पति माने, मैं कई बार यूट्यूब में बताया हूँ, मतलब जिस समय कांग्रेस के पास 50 सीट था उस समय उसका राष्ट्रपति जीता, दैट इज रेड्डी साहब। और गुरु बृहस्पति लाभ स्थान में और सभी उत्तरोत्तर इच्छा प्राप्ति, इच्छोत्तर बलिक्रम, बड़ा भाई का स्थान, सभी इच्छा पूर्ति का स्थान, सर्व इच्छा सिद्धि का स्थान में बैठा है गुरु। और उसी का अभी आपका शायद महादशा चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप, इफ यू आस्क कि मेरे कुंडली का नंबर कितना देंगे आप, 100 में से कितना देंगे और 10 में से कितना देंगे, तो बेवकूफ़ी है ना सर ये ऐसे पूछना आपके लिए, ये परम बेवकूफ़ी बन रहा है। मैं यहाँ जवाब और यहाँ नंबर देने का औकात ही मेरे पास नहीं है ना। कोई भी व्यक्ति उच्च का गुरु को, बृहस्पति को अगर एकादश में बैठ के पकड़ के बैठेगा और उसको आप नंबर देने का कोशिश करोगे, हम जैसे एस्ट्रोलॉजर के पास तो दम नहीं है। उच्च का है और मतलब लाभ स्थान में बैठा है, फिर चंद्रमा से केंद्र स्थान में बैठा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन पे गुरु हर दिशा से बचाता है, हर कंडीशन से आपको सुरक्षा देता है और हर तरह से अच्छा ही करता है। यहाँ अगर कोशिश भी करे कोई, देखो आपके लिए शुक्र मंगल गुरु, ये लोग कितने भी कोशिश कर लें, या आपको शनि राहु कितना भी कोशिश कर ले बुरा फल देने के लिए ना, दे नहीं सकता। कोशिश कर कर के ये लोग थक जाएंगे ना। किसी के मायके लाल में दम नहीं है कि आपको किसी भी प्रकार का बुरा फल दे दे, ठीक है। इसीलिए आप उसके कंडीशन में बेफिक्र रहो। हाँ, मानता हूँ कि अगर आपके कुंडली में एक समस्या